सच्ची में बिल्कुल कोई प्लान नहीं था ऐसा लेने का। मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी कब लेना चाहिए गाड़ी, क्या लेना चाहिए। मम्मी बोलती कि दिन अच्छा है ले लो गाड़ी। तो अगर पसंद नहीं आई, 5 दिन आपने गाड़ी चलाई और 300 किलोमीटर, इनको वापस दे दो गाड़ी। लिटरली नो क्वेश्चन आस्क्ड, वापस पूरा रिफंड आ जाएगा आपको। क्या भाई। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं अक्षत वाचिंग यहाँ पे इस लाइफ। मैंने ये वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, बट क्या हुआ, एक ऐसी डील मिल गई मुझे। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था एक सेकंड हैंड कार लेने का, सस्ती से सस्ती कोई कार मिल जाए ये सोचने का देख रहा था बहुत सारी। तो मैं स्पिनी का जो ऐप है खोल के बैठ जाता था। कल के दिन एक ऐसी डील मिली है ना, जो मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए। तो नैनो वगैरह बहुत सारी कार्स थी जो मैं विशलिस्ट करके रखा हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फाइनली मैंने सोचा यार एक कार ले ली जाए सिटी यूज के लिए, बिकॉज मैंने इससे पहले भी एक वीडियोज में बोला है, मेरे वीडियोज में बोला है कि यार कार इज एनी डे बेटर देन बाइक, कोई भी टू व्हीलर स्कूटी वगैरह। तो यार छोटी कार लेने से पहले एक थिंकिंग और थी मेरी, 1,40,000 से 1,50,000 1,60,000 तक तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। टीवीएस की iQube ले लो, चाहे ओला इलेक्ट्रिक ले लो, सब कुछ आज के डेट में 1.5 लाख में ही मिल रहा है। तो मैंने बोला उसी प्राइस पे एक ऑटोमेटिक अच्छी कार मिल जाए जो की बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तो क्या खराब है। तो बस नहीं, मैंने आफ्टर मैथ में नहीं सोच रहा, जो होगा जैसा होगा, विल सी दैट। और शॉर्ट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो चलो आपको गाड़ी दिखाता हूँ। पहले लेट्स गो गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं, ये वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें मुंबई जाऊंगा, और उसके बाद हमारी रामेश्वरम की ट्रिप चालू होने वाली, ठीक है। तो रामेश्वरम की जो स्टोरीज हैं वो इंस्टाग्राम पे आएंगी, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। और एक्चुअली बता रहा हूँ यार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इस ही वीडियो में कार परचेज़ करने वाला हूँ। उस थिंकिंग से मैं बिल्कुल भी शोरूम नहीं गया था, बट पता नहीं मम्मी ने बोला कि यार चलो दिन अच्छा है तो ले लो गाड़ी, दिन पेमेंट करके गाड़ी उठाई है। तो इस ब्लॉग में जो होने वाला है ना, बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, तो इससे जाने वाले हैं और भाई मस्त टूरिंग सीट लगवा ली है और मज़ा आने वाला है। जो साउथ की ट्रिप है वो ऑलमोस्ट डन है। मेरी बहन एक्चुअली मुंबई आने वाली है, फर्स्ट टाइम वो एक ट्रिप पे निकली है। तो मैं और मेरा भाई सोच रहे हैं थोड़ा मुंबई घुमाएं, तो देखते हैं एक मुंबई का ट्रिप करके फिर अपन जाएंगे लंबी ट्रिप में, विच इज़ रामेश्वरम इन द सॉलिड वर्जन 140 भी। तो चलो अभी तो चलो नैनो देखने, लेट्स गो। स्पिनी यहाँ पहुँच चुके हैं, रात हो गई है, देखते हैं क्या है गाड़ी। आप लोग दिखाता हूँ नैनो वगैरह सारी, दिखाता हूँ सारी चीज़ें, बात करेंगे। अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर दी है, चलो लेट्स गो। भाई तो अपन स्पिनी की पार्किंग पहुंच चुके हैं, देखो यहाँ पे पीछे पूरी स्पिनी की पार्किंग है। खूब सारी गाड़ियाँ हैं भाई, अब नाम लो, हर एक गाड़ी अवेलेबल है इनके पास। और जो मैं गाड़ी आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, तो ये देखो भाई, ये है नैनो जो मैंने सेलेक्ट करी है, एकदम फ्लॉलेस कंडीशन में लिटरली। मतलब थोड़ा बहुत ऑब्वियसली होगा कहीं ना कहीं, बाकी गाड़ी अब देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो दिस इज़ दी नैनो। ये देखो भाई पीछे से भी आपको दिखा दूँ, जरा भी रात का टाइम हो गया क्योंकि मैं ऐसे ही इसका पेमेंट करने आया था। अभी देखते हैं पेमेंट वर्क क्या सीन है। नाइस ना, बढ़िया है। और कोई भी नैनो में अगर आप देखोगे ना, डिक्की नहीं आती, ये टॉप मॉडल है तो इसमें डिक्की भी है। दिस इज़ ट्विस्ट XTA, यहाँ पे लिखा हुआ है इस गाड़ी का XTA। दिस इज A स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक। और अच्छा सर्विस है यार, 1 साल की वारंटी है, 15,000 किलोमीटर 1 साल की वारंटी, और 5 दिन गाड़ी चलाओ, नहीं पसंद आई तो पूरे पैसे वापस लो। और क्या चाहिए आपको, बोलो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो ये सारी चीज़ें देख के भाई मैंने चूज़ किया है स्पिनी से गाड़ी लेने का। और मैं बाहर जो मार्केट है ना, बाहर भी, वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन देखा, OLX में भी बहुत सारे ऑप्शन देखा, बट ये गाड़ी 2,40,000 से कम मिली नहीं रही कहीं, 2 लाख से तो कम कहीं नहीं मिल रही है। मैं OLX पूरा सर्च मारा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये चीज़, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, आप देखना। 2,40,000 से ऑटोमेटिक मॉडल कहीं कम नहीं मिल रहा। OLX वो अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद ही मैं यहाँ से गाड़ी खरीदा हूँ। देखते भी अंदर और क्या सीन है, बाकी गाड़ियाँ तो यहाँ भरपूर। तो ये अपने तुषार भाई, बढ़िया स्पिनी के एम्प्लॉय, ये अपने गाड़ी दिखा रहे हैं। तो ये है स्पिनी का डिलीवरी एरिया। अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8, और दीज आर द पेंडिंग 4 कार तो मेरे सामने खड़ी है। एक यहाँ पे ड्राइवर खड़ी है, ये डिलीवरी के लिए, ये दोनों गाड़ियाँ डिलीवरी के लिए, और एक वो हेक्सा भी डिलीवर हो रही है। कंग्रेचुलेशन। यहाँ पे देखो ओजस इंफ्रा, देखो ऐसा होता है भाई, मतलब ये रात के 8 बज रहे हैं और इतनी गाड़ियाँ अभी डिलीवरी के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर्विस है इनका, देख ही सकते हो। एकदम चमचमाती हुई गाड़ियाँ डिलीवर हो रही हैं यहाँ पे। आप इसमें अपडेट करते जाओगे, ऐप में अपडेट करते जाओगे, ठीक है। हाँ चलो भाई, पेमेंट कर देते हैं गाड़ी की। बढ़िया, अभी कॉफ़ी पीते पीते अपना ये कार्ड से अपना पेमेंट हो जा रहा है। बढ़िया, क्रेडिट कार्ड में कुछ चार्जेस हैं, बट कुछ छोटा अमाउंट जो लास्ट का है, कुछ 20,000 रुपये, वो इससे कर दे रहा हूँ मैं। तो क्रेडिट कार्ड से पे करने में 400 रुपये को एक्स्ट्रा है, 471। ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि गाड़ी भी लेके ही चला जाऊंगा, बट आया हूँ भाई तो गाड़ी अपन ने ले ही ली एक तरह से। अभी देखो इसकी PDI चल रही है, तो ये देखो ये सब काम हो रहा है, सब बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं। ले लेना, अब तो पैसा दे दिया वैसे। चलो तो भैया अपनी गाड़ी की PDI कर रहे हैं। लुक्स गुड यार, सिटी के लिए इससे अच्छी कार मेरे को लगता नहीं कुछ हो सकती है। देखो भाई इसमें स्टेपनी भी आती है, बताओ क्या बात है। और क्या चाहिए, यहाँ पे पानी इसमें नहीं है। मैं वाइपर भी चला के देखा, सिंगल वाइपर आता है। ये ये देखो भाई इंटीरियर गाड़ी का, छोटी सी प्यारी सी गाड़ी अपनी, देखते हैं चलाते हैं कुछ दिन। अभी इसके वाइपर में ना पानी नहीं है, उसमें आप डाल देना। और ये भी थोड़ा सा हिल रहा था जैक, मतलब ये स्टेपनी के लिए, जैसे कि अगर पंक्चर होता है। हाँ हाँ राइट राइट ठीक है। तो तुषार भाई हमको पूरा बताते हुए गाड़ी, हाँ स्टेपनी मैंने देख ली, इसकी भी अच्छी है कंडीशन, बढ़िया है, अच्छा है टायर, ब्रिजस्टोन। अच्छा पेट्रोल यहाँ डलता है? ओह मुझे, अच्छा वाइपर का कहाँ है फिर? अच्छा वो है नीचे वाइपर का, ओह मैं लोगों को बता रहा हूँ यार ये तो। ओह अच्छा यहाँ पे इसका पेट्रोल है। भैया स्पिनी से गाड़ी ले रहे हैं अपन, सच्ची में बिल्कुल कोई प्लान नहीं था ऐसा लेने का, बट मम्मी को मैंने कॉल किया, मम्मी कब लेना चाहिए गाड़ी, क्या लेना चाहिए, मम्मी बोलती कि दिन अच्छा है ले लो गाड़ी। मैंने दे दिए पैसे 1.5 लाख रुपए, यार जाने दो, मैंने बोला अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, जब तक चले जैसी चले। द बेस्ट पार्ट अबाउट स्पिनी इज़ कि 5 दिन के रिटर्न है, तो अगर पसंद नहीं आई, 5 दिन आपने गाड़ी चलाई और 300 किलोमीटर, 5 दिन और 300 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, नहीं पसंद आई, इनको वापस दे दो गाड़ी, लिटरली नो क्वेश्चन आस्ड, वापस पूरा रिफंड आ जाएगा आपको। कोई भी गाड़ी जो नेक्सॉन लो, यहाँ से आप कोई भी गाड़ी लोगे। सो दैट्स द थिंग अबाउट स्पिनी। और 1 साल 15,000 किलोमीटर की भी वारंटी है ये देते हैं भाई। मेरा ऐसा प्लान था पहले कि मैं आप लोग को थोड़ा हाइप करूँगा, 1-2 वीडियोस डालूंगा कि गाड़ी अभी बुक करी है और देखूँगा ऐसा वैसा, बट मम्मी ने बोला भाई दिन अच्छा है ले लो, और 1.5 लाख रुपए पे कर दिए। तो यार ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है नैनो से बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक कि सिटी में चलाओ, जब तक चलाओ फिर निकाल दो, ठीक है। 2016 का मॉडल है, सभी लोग इंश्योरेंस वगैरह सब करके देते हैं, तो वेल एंड गुड। अभी देखो ये पीछे पोलो की डिलीवरी हो रही है यहाँ पे, नाइस। हमने अपनी तो भाई पेट्रोल है गाड़ी, ऑब्वियसली नैनो पेट्रोल है। कहाँ करना है साइन? हाँ हाँ सेम है, एक ही साइन है भैया, भाई साइन हो रहा है भाई। छोटी सी गाड़ी नैनो लेने आए अपन, कुछ प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बट ले रहे हैं, जाने दो अभी, ठीक है। और नहीं पसंद आई तो अपन स्पिनी को ही वापस कर देंगे 1 साल चला के। मेरे को लगता नहीं इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कुछ गिरने वाली है 1-8 साल में भी ना। फास्टैग कल चालू है, ओके। तो यहाँ पे फास्टैग भी ये लोग दे रहे हैं स्पिनी वाले, अच्छी बात है भाई, वेल एंड गुड। नहीं आई लाइक द सर्विस, आई मीन सब कुछ करके दे रहे हैं। ये सब क्या भी एक्सेसरीज आप लोग लगा के दोगे तो ये इनके एक्सेसरीज़ के प्राइसेज है। सो लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, रेन वाइज़र और ये और वो। अपनी गाड़ी में तो चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब चालू है, आपने देख लिया है? हाँ वो पीडे में वही चेक होता है। चलो बढ़िया। ये देखो भाई रात को 9:30 बजने को आ गए और अभी तक कार्स डिलीवर हो रही हैं। तो आज के दिन ये बता रहे हैं टोटल 27 कार्स इन्हें आज डिलीवर कर दी है। 27 है और शायद लास्ट मेरी होने वाली नैनो। वॉशिंग हो रही है, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लेके आ जाओ। देखो BMW भी है, मैं नींबू वगैरह लेने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मर्सिडीज़ भी है, ऑडी भी है, सामने वहाँ पर ऑडी खड़ी है, A4 दैट्स मर्सिडीज़ CLA आई गेस, एंड दैट्स BMW GT। ये देखो एस्टर है, सोनेट है, किया है, सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे मस्त। एंड फॉर थार लवर्स देख लो भाई, ब्लैक थार अवेलेबल है, ये पुराना मॉडल, एंड दैट्स द लेटेस्ट वन, एकदम नया जिसका क्रेज़ अलग ही लेवल पे। ये भी कुछ 14-15 लाख रुपए की है गाड़ी। तो यार सेक्सी है, रोड प्रेजेंस, नथिंग कैन बीट द रोड प्रेजेंस ऑफ थार। जिमनी ने कोशिश करी बट पॉसिबल नहीं है वो चीज़। वो देखो भाई स्लाविया, आई हाय दैट्स द लव, स्लाविया। और उसके आगे रेड कलर की वर्टस खड़ी हुई है। ये भाई बढ़िया क्लीनिंग चालू है, देखो मस्त पॉलिश कर रहे हो भैया अभी वो। हाँ ओके। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day चलो भगवान वाहन रक्षा कर रहा हूँ। क्या करना है इसको फोड़ दे। मीठा भी हो गया, दैट्स इट। अब ये नींबू यहाँ पे रख दिए हमने लास्ट। इसको लेके बस बाहर निकल जाऊँ ना? ओके लेट्स गो, थैंक यू। यहाँ पे रुक लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन चलेगा। चलो गाइस ये ये नैनो हो चुकी है अपनी। नींबूज डन। अभी यहाँ पे रुकना है अपने को, थोड़ा सा ब्रीफिंग देने वाले। लेट्स गो। क्या भाई, इतनी हाई करता है गाड़ी में। ले ली भाई, ले ली। अब ज़्यादा सोचे नहीं होने वाला, ले लेते। सही है यार भाई। ये देखो इसकी नैनो, ये देखो स्लोक की नैनो, सेम XT है। क्या बात है। तो बेसिकली ही इन्फ्लुएंस्ड मी कि भाई ले ले। मैंने फाइनल कॉल इसी से लिया था। ले ले क्या भाई बता यार, सिटी में तो रहेगा, कोथरूड में। करेक्ट भाई। हमने केक लाए हैं भाई। तू कहाँ, लाइट नहीं है पीछे इसमें? नहीं। चलना यार, अच्छी है यार, जो है बढ़िया है। डिक्की है कम से कम। ये देख ना, उसमें देख पीछे, इधर 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 देख क्या क्या दिया उनने पीछे। देख, 2 कुशन दिया, ये बैकरेस्ट दिया। हाँ वो देख ना, वो पकड़ना उसको उठा। 2 क्वेश्चन है। और वो देख उसमें भी की रिंग वगैरह कुछ है। नारियल फोड़ना होता है रे, घर नहीं। हाँ फोड़ा मैंने उसको। ये देख कैसे रखा है, ये पता नहीं क्या है। इसमें की रिंग भी थी, वो टिश्यू है। हाँ की रिंग भी है, इमोशंस हैंडल करने के लिए। हाँ भाई। तो भाई अभी इसमें पेट्रोल भी थोड़ा डलवा ले रहा हूँ मैं। 500-600 रुपये का इसका पेट्रोल डलता है। सामने ये देखो, इधर कैप है कार्ड। चलो तो ऐसे ही 600-700 रुपये का पेट्रोल डलवा के देखते हैं इसको क्या आता है, कैसे होता है। ओके गाइस, तो ले ली यार गाड़ी और सिटी में चला रहा हूँ अभी बढ़िया इसको। एंड माय मस्त यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी छोटी सी ना गली में गाड़ी फंस गई थी, मैंने इधर डाली साइड में, सामने बड़ी गाड़ी निकल गई। कोई दिक्कत नहीं। यही यूज़ एक्चुअली मैंने कल गाड़ी उठाई और आज इस चीज़ का यूज़ भी आ गया। सो सी, यही चीज़ मैं बोल रहा था। मेरा फ्रेंड जो है ना, जो नैनो है, जिसके पास लोगो, ये बोल भी रहा था भाई तू कोथरूड में रहता है, पुणे में, कोथरूड में तेरे को लगेगा, वहाँ पार्किंग नहीं है और ऐसी छोटी गाड़ी लगेगी। जो लोग पिंपरी साइड रहते हैं, पिंपरी, चिंचवाड़ा, वाकड़, हिंजावाड़ी साइड, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई। वहाँ अच्छी वो प्लांट सिटी है, थोड़ी सी अच्छी बनी बनाई है। बट पुणे ना हो गया, कंजेस्टेड हो गया अभी। तो चलो अभी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ये थाली वगैरह, दिया वगैरह लगा लिया है और आई एम क्वाइट हैप्पी यार। मतलब जो पर्पज़ है कार का, एक जो कार का पर्पज़ होता है ना, वो ये पूरा कर रही है। एंड देखते हैं, 1-8 साल रखेंगे, फिर अपग्रेड करेंगे। 1-8 साल भी नहीं, मुश्किल से देखते हैं यार कब तक रखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मज़ा आ रही चलाने में। यार एक 4 व्हीलर, ये एक नैनो स्टार्ट हो चुकी है हमारी, क्योंकि नैनो आ चुकी है। अभी देखेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बड़ा करेंगे। कुछ बड़ी गाड़ियाँ लेते जाएंगे। बाइक के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पहली पल्सर, देन उसके बाद हार्ले-डेविडसन एक। सो या, थैंक्स सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हैं हम इसी कार में भैया को दिखाने के लिए मुंबई। देखते हैं भैया का क्या रिएक्शन होता है, वेट फॉर इट। फिर उसके बाद, जिसके बाद का बाद वीडियो आने वाला है, वो सीधा अपन निकलेंगे गोवा के लिए अपनी बाइक से, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है, मुझे जल्दी निकलना है उसके लिए। और यार इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे वहाँ पे। सो बाय बाय भाई। सच में एवरेज दिखाना चाहता हूँ मैं। ये लिटरली मेरी हार्ले डेविडसन एक्सपो 40 से ज़्यादा का एवरेज दे रही है। ट्रिप ए मैंने 0 कर दिया था जब मैंने टैंक फुल कराया था। टैंक फुल से टैंक फुल यूजुअली करवाता हूँ।